जय श्री सीताराम। हम लोग उमरिया में हैं, मालथौन से थोड़ा दूर, और यहाँ ये शंकर जी की हंडी आप देख सकते हैं। यहीं पे हम लोग ने रात विश्राम की थी। हमारी कांवड़ और सारा सामान और गुरु भी आपको दिख रहे हैं, और सूर्य देवता भी निकल चुके हैं। ये नल हम दोनों ठंड का मौसम थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ ठंड बहुत है। हम निकलने की ओर श्री सीताराम। जय श्री राम भाइयों बहनों। आज हम लोग एक छोटे से तालाब में नहाने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग ने किसी नदी या तालाब में नहीं लोड़ा था। नर्मदा माई में जब रुके थे 8-10 दिन पहले, तभी हम लोग ने भैंसा नहाया था लोड़ के, और आज हम लोग फिर इसी तालाब में नहाने वाले हैं। सीताराम सीताराम भाइयों बहनों, हम लोग ने सीतालाम में भी स्नान किए, और आज जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारा नया वर्ष है। आज के दिन नए साल का उत्साह मनाया जा रहा है पूरे भारत में। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा हम लोग को सबको इस नए वर्ष के लिए, और हमारे बुजुर्गों ने हमें यह तिथि बचा कर रखी, जो कि हिंदू नव वर्ष के रूप में सब लोग लिखते हैं। लेकिन हिंदू लिखना उसमें जरूरी नहीं है, उसमें हम सिर्फ नया वर्ष भी लिख सकते हैं। सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ का कैलेंडर, हिंदुस्तान का पंचांग और यहाँ की गणना, जो कि ग्रंथों में और ग्रह नक्षत्रों में और तिथियां और सब चीज़ जो है अपना सबसे पुराना है। इसीलिए अपन अपनी परम्पराओं को मान के चलें, और सभी को नववर्ष की एवं नव दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रथम दिवस है 9 दिन का, और आज तीसरा माता की पूजा होती है, और मेरा आप सभी से कहना है कि 1 तारीख को नया वर्ष ना मनाएं। जो अपना है उसे अपनाएं। विषय में हमने बहुत पहले 1 तारीख का वीडियो भी बनाकर यूट्यूब पर डाला था, आपको इसी चैनल में मिल जाएगा, आप देखेंगे तो 2023 का वीडियो था वो। अपना नव वर्ष बनाएं और अपनी स्थिति को खुद समझें, ना कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नव वर्ष बनाएं। जय श्री सीताराम। चैत की नव दुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। जय श्री सीताराम भाइयों बहनों। ये देखिए, हम ये बताना आपको चाह रहे थे, हम लोग ललितपुर पहुंचने वाले हैं। ललितपुर यहाँ से करीब थोड़ा सा दूर रह गया है, 1-2-3 किलोमीटर, और ये कोई दुकानदार अपने कांच के वो टुकड़े फेंक गया है रोड पे। अभी हम लोग के सामने गाड़ी यहाँ से गई है, ये देखिए पानी आनी दारू पी दे रहे वो लोग, तो ये गलत है इस हाईवे पर। और ऐसा हम लोग को कई जगह मिला। कृपया करें ऐसी चीज़ों को ना करें जो भी करता है, क्योंकि चलने वालों को बहुत दिक्कत होती है। जय श्री सीताराम। ये देखिए भाइयों बहनों, रास्ते में हमें एक दर्शन हुए भोलेनाथ के। जय श्री सीताराम भाइयों बहनों। हम लोग देखिए ललितपुर 9 किलोमीटर बचा है, झांसी 105। आपको एक चीज़ दिखा रहा है जो कि यहाँ घटना 2 दिन पहले हुई, 3 दिन। ये देखिए, ये स्टील की बहुत मजबूत वाली रेलिंग है, जो कि पूरी
चपट चुकी है और देखिए इसका क्या हुआ है। फुल लाइन पे ये हादसा, ये साइड, ये जो रेलिंग देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम रेलिंग इस साइड भी थी, लेकिन सीधा एक ट्रक नीचे खाई में गिरा है, जो कि आप देख सकते हैं ये नीचे खाई है जो दिख नहीं रही, और ये हादसा ऐसा रहा। इसमें कोई ख़त्म नहीं हुआ है, हमें एक दुकान वाले ने बताया, लेकिन बहुत रिस्क रहती है इन रोडों पे भी, चाहे अपन कितनी भी अच्छी रोडें बना लें, उस पर मौत हमेशा रहेगी, क्योंकि लोग इतनी तेज़ रफ्तार में आते हैं। देखिए जिस साइड वो रेलिंग मिटी थी, दूसरी साइड ऐसी है, इतनी मजबूत रेलिंग पूरी मिट चुकी थी। जय श्री सीताराम। भगवान ने लेकिन उस ड्राइवर का साथ दिया कि उसे सिर्फ कुछ गंभीर चोटें आईं और कुछ नहीं हुआ। हम लोग सामने ललितपुर के और नज़दीक आ चुके हैं, आगे एक चौराहा मिलेगा हमको, उससे भी हम ललितपुर के अंदर जा सकते हैं, फिर 2-3 किलोमीटर बाद एक और चौराहा है, उससे भी जा सकते हैं। मतलब 3-4 चौराहे हैं शहर के अंदर जाने के लिए। ये सामने वाली रोड थोड़ी ऊंची हो गई है अपन से, चलिए आगे मिलते हैं। जय श्री सीताराम। ये अपनी कांवड़ नरबदे माई की जय, नरबदे हार। हे गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम दोनों लोग की तरफ से। भैया हमारा गुरु जी, लेकिन भगवान से जो मिला भी कुछ जरिया रहे थे वो तो आप ही हो ना, हमारो के भगवान तो आप। भाई हमारे भगवान ने कही हमारो के लाने गुरु जी, हर रोज भोले मिला थे, भोले मतलब भगवान शंकर जी, शंकर जी में ज्यादा माना था हमारा तो सबसे सरल देवता है जी, सबसे सरल देवता है। अंदर कल्पा घाटी के यहाँ पर, यहाँ पर गुरुजी हैं, गुरुजी ने हम लोग के लिए भोजन की व्यवस्था की। हाँ मंकू भैया ने आटा मारा, आटा सन के तैयार है अपना, ये हम लोग की अंगीठी भी जल गई है। भैया क्या बनाएंगे? टिक्कर गुरुजी, टिक्कर बनेगा। जय बोले। मंदिर गुरु जी, ब्रिज कौन सा है जी? ये मसौरा बैरियल है। मसौरा बैरियल ललितपुर से कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर ये ललितपुर में आता है। अच्छा, जुड़ जाती ललितपुर की बॉर्डर, बढ़िया। गुरु जी मंदिर कितना पुराना है अपना? 50 साल। इसका निर्माण आपने ही, आपके ही द्वारा हुआ था इसका? गुरु जी भी हमारी मदद कर रहे हैं जी, कृपासी गुरु जी। आपका गुरु जी यहीं पे निवास है? हाँ, जहाँ बैठे थे नहीं जी, तखत पर। तो हमारा, हाँ, वो इस तरफ वाला तखत बाला है जो भैया का है जी, उस तरफ बाला जो है अपना। अच्छा, वहाँ से हमने आवाज लगाई थी आपके लिए जी, वहाँ हम तो खाने ही खा रहे थे जी, हमें जो है हमने सोचा यार लगते हैं, तो हमने आवाज लगाई, सुनी थी आपने आवाज? सुनी थी हम लोग पलटे भी, हाँ, पर हम आप लौटे नहीं है, फिर हम चल गए, फिर हम आए, हमने कहा देखें यार भाई, फिर हमने फिर दोबारा आवाज लगाई हमने भाई, रात में आप परेशान हो जाते ना, कहाँ तक जाते ना, 6-7 किलोमीटर जाते ना हम, आप सामान आपको रखने अंदर रख दो, दालो आप लगा दो अपने बने पास, यहाँ पर नहीं। गुरु जी
गुरु जी मोबाइल चार्ज पे लग जाए रात में। हाँ, नहीं गुरु जी थोड़ी सी मदद कर देते आप, अपनी दुकान में लगवा दें जी। मोबाइल वाली जो है वो आपकी है? अच्छा, बच्चे संभालते उनके। बढ़िया है गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम दोनों लोग की तरफ।